लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं हूं नेहा विनाश सिंह और आप देख रहे हैं जनता टीवी। हरियाणा विधानसभा के दूसरे दिन की कार्रवाई सुबह 10 बजे से शुरू होकर 3 बजे तक चली। इस दौरान कई ऐसे मौके आए जब सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। वहीं सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के सभी आरोपों का जवाब दिया। दूसरे दिन की कार्रवाई में कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक हुई और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा हैं। सर, आज जो है वो कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक हुई, खासतौर पर जींद उपचुनाव जीतकर आए कृष्ण मिड्डा का आप स्वागत कर रहे थे और उस दौरान जो है वो आपकी विपक्षी जो विधायक हैं उनके साथ तलखी देखने को मिली, क्या वजह थी? नहीं नहीं, देखिए एक बात पवन साफ है कि प्रजातंत्र हमारे देश की प्रणाली है और उसमें जनता जनार्दन का जो जनादेश होता है उसको कई बार कई पार्टियां स्वीकार करने में समझने में देर लगाती हैं, तो आज वो बातें सबको हमने बता दी। इसके अलावा जो है वो एम्स का जो मसला था बाढ़सा और मनेठी का, ये क्या है सर, टेक्निकलिटीज क्या है? क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जो है, कांग्रेस का आरोप नहीं है, आज खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो जो तारीख बता दी कि 2012 में दो कमरे में ये कैंसर इंस्टीट्यूट की ओपीडी उन्होंने अपने समय में शुरू हुई थी, परंतु वो कुछ नहीं कर पाए। 2015 में हमने उसका भूमि पूजन किया और वो इतने युद्ध स्तर पर हमने बनकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है और आज वो एक एम्स का बहुत बड़ा पोर्शन और स्पेशलाइजेशन कैंसर हॉस्पिटल के नाते 710 बेड का ये नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया, हमको तोहफा दिया। मनेठी में हम सब महेंद्रगढ़ रेवाड़ी के जो विधायक हैं वो प्रयत्न कर रहे थे, राव इंद्रजीत केंद्र में प्रयत्न कर रहे थे और वो भी नरेंद्र भाई मोदी ने कृपा किया है, 800 करोड़ रुपए का प्रावधान उस मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने रखा है, वो मेडिकल कॉलेज वहाँ मनेठी में बनेगा। नेता प्रतिपक्ष आरोप लगाकर गए हैं कि मंत्री जो हैं वो चर्चा से भाग रहे थे और राज्यपाल के अभिभाषण पर वो चर्चा चाहते थे लेकिन मंत्री उनको टोका टाकी करके इस पूरे मसले से बचना चाहते। आज वो तैयार नहीं थे और आपने देखा होगा अंदर से, मैंने कहा अभय सिंह जी आप आज तैयार नहीं है, आपका एक मिनट में वो बात मानोगे, हमने उनकी सुविधा का ध्यान रखा। तो देखिए कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ये कह रहे हैं कि सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला जो है वो तैयार नहीं थे और यही वजह है कि वो उनके एक मिनट कहते के साथ ही इस चीज के लिए जो है वो सहमत हो गए। इसके साथ ही जो एम्स का मसला है बाढ़सा और मनेठी का, उसके ऊपर भी रामविलास शर्मा ने अपनी सरकार का स्टैंड क्लियर किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी चंडीगढ़। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।